मैं आपका ये बताइए कि हमारे नरेंद्र मोदी का जो ये संसदीय क्षेत्र है, तो आपको जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बनारस के लिए आप लोग के लिए क्या क्या किए हैं? कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। सरकार की तरफ से जो स्कीम आई है, आपको क्या मिलती है फैसिलिटीज? कुछ नहीं हम लोग को अभी मिल रहा है। क्यों, आपका राशन कार्ड है ना? सब कुछ है। तो राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ? राशन हुआ 2 किलो राशन से हमारा पेट भरेगा 6 बच्चों को। आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। भारत, मैं अली बीटीएस न्यूज से। आज हम उत्तर प्रदेश बनारस में हैं। संसदीय क्षेत्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आज उनके संसदीय क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये कैंट इलाका है, यहाँ के लोग जो गरीब तबके लोग हैं, किस तरह से अपने ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, इसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। और हमारे अभी इस वक्त जो है एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो अभी रात के करीब 7:30 अभी बज रहे हैं। ठीक है, तो इनसे जानेंगे आपका नाम क्या है। पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार गुप्ता नाम है आपका। ये बताइए कि वो जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बनारस के लिए आप लोग के लिए क्या क्या किए हैं? कुछ नहीं किया साहब। कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्या है? ये तोड़वा फोड़वा खाली बनवा रहे हैं, हम लोग के लिए सड़क में आना जाना मुश्किल है जी। हर जगह से रास्ता बंद कर दिया है, हम लोग को घूम के हर जाए वहाँ जाए, सवारी पैसा नहीं दे रहे हैं। 20 रुपया कहते हैं, 20 रुपया होता है, 20 रुपया में घूम के हर से जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है अपना। आप कितना घंटा ये रिक्शा चलाते हैं आप? अरे समय अभी तक जाग रहे हैं, 8-9 बजे सुतेंगे, फिर 1 बजे जाग जाएंगे, कितना जागेंगे कितना सुतेंगे। तो आप दिन भर में जो आप चलाते हैं रिक्शा, तो कितना कमा लेते हैं आप? 200-250 रुपया को ऊपर नहीं, उसमें बाल बच्चा क्या जिंदा, 70 रुपया तो भाड़ा हम दे देते हैं। जो सरकार की तरफ से जो स्कीम आई है, आपको क्या मिलती है फैसिलिटी? कुछ नहीं हम लोग को अभी मिल रहा है। क्यों, आपका राशन कार्ड है ना? सब कुछ है। तो राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ? राशन हुआ 2 किलो राशन से हमारा पेट भरेगा 6 बच्चों को। तो कितने बच्चे की आपको 2 किलो राशन मिलता है? मेंबर कितने घर में? नंबर हमारे जो उनकी 6 नंबर है, 6 नंबर में, 6 मेंबर में आपको सिर्फ 2 किलो राशन देते हैं। राशन हमारा बहुत कम हो गया इस समय। क्या वजह है कम होने की? वजह क्या है, आप कर्जदारों की कमी है कि सबकी कमी है, आप उसको हम नहीं बता सकते हैं। मगर वो 15 किलो पहले मिलता था गेहूँ, 10 किलो चावल, 35 किलो पहले हम लोग को मिलता था, अब सबसे कम हो गया। देख सकते हैं आप किस तरह से एक रिक्शा जो चलाने वाले गरीब हैं, कहीं ना कहीं आज की जो महंगाई इतनी है, तो 8 से 12 घंटा जो रिक्शा चलाकर अपना 200-250 जो कमाते हैं, क्या आज के महंगाई में इनका ये पूरा होता होगा? क्या इनके जो स्कूल के आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। कर्रा स्कूल में 16 साल का हमारी लड़की कर्रा में पढ़ती है। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये 200 रुपये? मैनेज करते हैं इसी में, दुकान भी है थोड़ा से। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? उठवा की दुकान, पिता जबाना की दुकान है, उसे मैनेज करते। तो दुकान कौन चलाता है आपका? हमारी औरत चलाती है। अच्छा, औरत चलाती हैं और आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ। तो देख सकते कि इस महंगाई में जो है मियां बीवी दो मिलकर जो है ये रिक्शा चलाते हैं, और इनकी जो वाइफ है, इनका शॉप दुकान है वो चला रही हैं, तो अपने बच्चों को इस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ की बात है। और अरे साहब, तकलीफ का जगह गोड़ फटल ले तभी मेहनत करा था। देख सकते हैं आप इनके पैर में चोट लगा हुआ है, थोड़ा से रोशन चचा हटिए, तो ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से पैर इनका जो है घाव हुआ है, खून खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। हाँ, देख सकते हैं आप। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या आपने इसका दवा इलाज कराया आपने? हाँ कराया, हम प्राइवेट में सरकारी में गए, हमारा इलाज नहीं किया। क्यों नहीं किए आपको इलाज, क्यों नहीं किए, क्या वजह? किया, बोल रहा है कि जाओ प्राइवेट में। कौन, सरकारी हॉस्पिटल बोल रहे? हाँ, कपिल चौरा। कभी चौरा में जो है आप गए दिखाने के लिए, तो वो लोग पर्ची लेते हैं, 5 रुपया ले रहे हैं। अच्छा। हाँ,